हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जोरदार तरीके से। तो यहाँ पे जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक के साथ साथ सेशन को शेयर करना ना भूले। तो सबसे पहले आप लोगों को सेशन को शेयर करना है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है? एक बच्चे ने बोला आवाज़ नहीं आ रही है, तो आवाज़ आ जाएगी, टेंशन मत लो, आवाज़ जो है वो आ गई होगी, ठीक है? देख लो स्टार्ट हो चुका है, वॉइस 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 चेक करना प्लीज, प्लीज चेक। बच्चों वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है? कहते मैम आपसे बात करनी है, नवीन त्यागी जी, वॉइस तो आ रही है भाई, ऐसी बात नहीं, वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है? अब साइंस स्पेशल का एक बैच है जो कंप्लीट बैच है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें सब चीज़ें मिलेगी, वीडियो टेस्ट नोट्स वगैरह, जो कि बैच 399 का है। जन्माष्टमी ऑफर चल रहा है, 4 तारीख को ये बैच शुरू होने वाला है, इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात है, इसको आपको धुरीना ऐप पे क्या करना है, जाके डाउनलोड करना है, मतलब बैच जो है वो धुरीना ऐप पे जाना है। धुरीना ऐप पे हम हर संडे जाते टेस्ट लेते हैं, संडे नहीं लिया था, ठीक है? हर संडे साइंस का टेस्ट भी लेते हैं, वहाँ पर आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? और जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये फ्री मिला हुआ है, ठीक है? उन लोगों को कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फ्री है, ठीक है? UPSI की जो बुक है वो ऑल ओवर इंडिया आप हर जगह ले सकते हैं, ठीक है? राय बुक शॉप पे भी ले सकते हैं। ये क्या शुरू हो गया भाई मोबाइल पे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको PDF कहाँ मिलती है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय प्रिया मैम को ज्वाइन करना होगा, अगर आपको किसी भी साइंस की PDF चाहिए तो, ठीक है? एक बच्चे ने बोला कि कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। प्रिया मैम मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैम आपकी क्लास मेरी बहुत हेल्प करी है साइंस में। आई प्रॉमिस जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी उस दिन मैं फर्स्ट सैलरी आपके लिए लाऊंगा, ये इतना ही कहना बहुत होता है मेरे लिए, ठीक है? चलिए, रात के 10 बजे आपकी क्लास होती है, और जब तक आपकी क्लास चलती रहेगी, अगर वैष्णो जी जागती रही तो आपसे वैष्णो जी को मिलवाया जाएगा। फिलहाल वैशु जी जो है वो थोड़ी सी निंद्रा में है, ठीक है? थोड़ा सा लेट हो जाता है उसके लिए, वैसे तो क्लास लेट ही है, लेकिन मैं लेट क्लास थोड़ी सी इसलिए लेती हूँ ताकि मेरे भी अपने काम खत्म हो जाते हैं और तुम्हारे भी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए धर्मेंद्र जी का कहना बिल्कुल सही है कि मैम आप क्लास देखो क्या कहते हैं संडे में क्लास बंद थी, कल था फास्ट और फास्ट था जन्माष्टमी का। तो जन्माष्टमी के फास्ट में क्या होता है, जब सुबह हमारे यहाँ पे उठता है तो हमारे यहाँ जल नहीं पीते हैं, और सबके यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, कुछ के यहाँ पे जैसे नॉर्मल फास्ट होते हैं वैसे ही होता है। तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, सुबह उठते तो कुछ नहीं खाते, रात के 12 बजे के बाद जल देने के बाद फिर भोग तैयार किया जाता है, मतलब रात के 1:30 बज जाते हैं तब खाना खाते हैं। तो भाई क्या है कि एनर्जी लॉस हो गई थी, मतलब 10 बजे के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं क्लास ले लूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है, और आपकी वैश्य बहन यही घूम रही है। जैसे बताइए युगलीना, पैरामीशिया, या फिर गोनोलेक्स, या फिर माइकोप्लाज्मा, इनमें से किसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? फटाफट से बताइए इनमें से किसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जल्द से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से किसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जल्द से बताइएगा। बहुत सारे बच्चों ने डी दिया आंसर, बिल्कुल कोशिका भित्ति जो होती है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा जो है, सबसे पहली बात तो वो क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा सूक्ष्म जीवी है, या सबसे छोटी सेल भी हम लोग सोचते हैं, सबसे छोटी सेल कोशिका जो पाई जाती है वो इसी के अंदर पाई जाती है। दूसरे नंबर की बात, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है? इसके अंदर जो पाई जाती है, इसके अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन,
हेलो 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 चेक ओबीएस चेक। हेलो हेलो आ रही है, अब तो आ रही है बस। हेलो 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 अब ठीक है आवाज, अब आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है नाउ। ओके अब वॉइस आ रही है, अब आ रही है, अब नहीं आ भाई वॉइस प्रॉब्लम कैसे, अब तो वॉइस आ रही है, मैंने चेक किया है, अब तो वॉइस आ रही है, मैंने चेक किया है बेटा, आवाज आ रही है। यस आवाज है भाई, सही है, ठीक है। सही बता आवाज आ रही है क्या? वैशु हाय बोल दो, जाओ बाय बोल, हाय बोल दो एंड जाओ। वॉइस इज ओके 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 ओके, वॉइस जो है वो बिल्कुल सही है। और इसने देखो इम्प्योर ब्लड ये जो है, देखिए ये वैश्यू की एबीसीडी है। बच्चों से पूछा गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड, इनमें से कौन सा, एरोटा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन या फिर वेना केवा, जैसे बताइएगा। वॉइस आ रही है, वॉइस यहाँ तो फ्लक्चुएशन आ रहा है, आ रही है यार, डन है ओके। अब मेरे को कमेंट दिखा दो और इसको लेके जाओ एक बार, मेरे को कमेंट दिखा दो इसको लेके जाओ। कमेंट्स 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 कमेंट्स, नो 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 नो, एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर, हाँ यस। ये भाई ये वैशु, वैशु हेलो बोल दो सबको फिर जाओ, चलो सबको बोल दो, सबको सुनो सुनो हेलो। देखो देखो इसको ओबीएस दिखाओ, इसको ओबीएस दिखाओ, देखो 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 कौन है, देखो आपकी कॉपी देखो सामने सामने, देखो कौन है, ये कौन है भाई, ये कैमरे में कौन है, देखो 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 देखो, देखो वो कौन है, वो देखो वो कौन, देखो 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 कौन, हो भूत दिखा दो, ओबीएस दिखाओ, ओबीएस दिखाओ, ये देखो ये कौन, बाय बोल दो, बाय एक बार बाय बोल दो, एक बार बाय ले जाओ उसे, टू 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 टू, बाय बोलो, बाय टाटा, भाई तुम्हारी क्लास नहीं होती, ठीक है आ जाओ। अब बात करते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय को कैरी करता है, देखो एरोटा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन या फिर वेना केवा। सबसे पहली बात तो जो एरोटा होती है वो O2 सप्लाई करती है, O2 सप्लाई करती है, O2 का क्या करती है बच्चों, संवाहन करती है, और O2 के संवाहन का मतलब ये है, इसको हम लोग महाधमनी भी बोलते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी महाधमनी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, वेना केवा जो होती है, वेना केवा वो CO2 का ब्लड सप्लाई करती है, और CO2 ब्लड सप्लाई का मतलब क्या होता है, CO2 ब्लड सप्लाई का मतलब होता है अशुद्ध खून। जब भी आपको इम्प्योर ब्लड पूछा जाए तो समझ लो कि CO2 की बात की जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, अब ये आर्टरी तो करेगी कौन सी, O2, लेकिन इसके आगे पल्मो शब्द लिखा हुआ है, पल्मो शब्द का मतलब होता है फेफड़ों से जुड़ा हुआ, तो ये करती है आपकी CO2 की सप्लाई, ठीक है। अब ये वेन है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा खून लेके जाती है, लेकिन अगर इसके सामने पल्मोनरी जुड़ा हुआ है तो ये CO2 नहीं O2 सप्लाई करेगी। अब बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो है इम्प्योर, यानी जो CO2 वाला ब्लड सप्लाई करे, तो अब हमारा आंसर या तो ये बनेगा या फिर हमारा आंसर ये बनेगा, तो जल्दी से बताइए आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, ठीक है, फटाफट से बताइए आंसर बी होगा या डी होगा, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, मुझे कमेंट देखने पड़ेंगे एक बार, आंसर बी होगा या डी होगा। सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से, आंसर बी होगा या डी होगा। बच्चों 3 तारीख को वैशु जी का जन्मदिन है, उस दिन जो होगी बुक की घोषणा हो जाएगी, और आज अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ हो तो टेंशन मत लीजिएगा। सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला बी होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, इसका आंसर डी क्यों नहीं हुआ, बी क्यों हुआ, जबकि ये भी CO2 की सप्लाई करता था और ये भी CO2 की सप्लाई करता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसने बोला हार्ट टू ह्यूमन हार्ट, अशुद्ध रक्त वाहन करता है किसके पास, हृदय के पास, तो हृदय के पास
अशुद्ध रक्त ले जाने का काम किसका होता है आप लोगों का? आप लोगों का होता है पल्मोनरी आर्टरी का, ना कि वेना केवा का। वेना केवा जो होता है वो शरीर से खून लेके आता है, ठीक है, बॉडी से खून लेके आता है, और ये दिल को, ये हार्ट को खून देता है, ठीक है। ये तो क्या करेगा, शरीर से खून लेके आएगा और हार्ट तक इंप्योर ब्लड ले जाने का काम जो होता है फेफड़ों से यही करता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन से प्रस्तुति करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डैश इन नेचर। बच्चों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो किस प्रकार का होता है? न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, एम्फोथेरिक होता है, अल्कलाइन होता है? बेटा ये क्वेश्चन होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे कारण आते हैं इंपॉर्टेंट बनने के। सबसे पहली बात तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप आगे की बात कर पाएंगे। जैसे बताइए, ठीक है, मैम बायोलॉजी एनवाईटी पे क्लास करवाते तो बहुत हेल्प हो जाती। आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बीएससी में बेटा ग्रेजुएशन में तो दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि एम्फोथेरिक होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एम्फोथेरिक होता है। एक बच्चे ने कुछ बोला है यार, एक दो बार ना कमेंट तो पढ़ने पड़ता है मुझे और आगे आगे पढ़ने पड़ता है, टेक्निकल टीम फिलहाल है नहीं मेरे पास में, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है आप बदल गए, हाँ थोड़ा सा पानी का चेंज हो गया है, थोड़ा सा मतलब फेस में दिक्कत आ गई, पानी के, पानी से मुझे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। बच्चों इसका राइट आंसर है एम्फोथेरिक। देखो इसका राइट आंसर एम्फोथेरिक क्यों है मैं आपको बताती हूँ, एम्फोथेरिक क्यों है। पहली बात तो जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, ये है Al2O3। बच्चों जो Al2O3 होता है ये एम्फोथेरिक इन नेचर में होता है। एम्फोथेरिक कहने का मतलब है कि ये एसिड भी होता है, एसिड की तरह बिहेव भी करता है, अम्ल की तरह भी बिहेव करता है, और क्षार की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, क्या ये कहना चाहता है, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। एसिड और बेस क्या कह रहे हैं, सपोज करो कि Al2O3 रिएक्शन हो रही है और ये एसिड बन के रिएक्शन कर रहा है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? इसका रिएक्शन किसी क्षार के साथ होगा, बेस के साथ होगा, और वो क्षार हम ले सकते हैं NaOH, ऐसे रिएक्शन होगा, ठीक है। सपोज करो कि हम लोग Al2O3 को बेस लेके काम कर रहे हैं, मतलब बेस लेके रख रहे हैं, तो हमें एसिड में हमने रखना होगा HCl, ठीक है, अम्ल में। यानी ये दोनों तरीके से काम करता है, ये एसिड भी बन जाता है और बेस भी। मतलब कहने का मतलब होता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में कि जो जैसा उसके साथ वैसा, यानी मैं कहता मैं तो सबसे घुल जाता हूँ, मेरे को किसी से कोई परेशानी नहीं है, मैं तो जो जैसा होता है उसमें वैसे में घुल जाता है। ऐसे मतलब पता है क्या होता है, ऐसे नेता होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं बेटा, नेता होते हैं। नेता क्या होता है, जैसा जैसा कहीं भी पलट जाते हैं, सेम इसी तरह से होता है। अगर ये इसे बेस के साथ रिएक्शन करनी है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर इसे एसिड की तरह रिएक्शन करनी है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। एम्फोथेरिक का मतलब होता है बेचारी, नेचर समझ में आ गया हो तो मुझे ये बताइएगा, ठीक है, जैसे बताइएगा, क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एम्फोथेरिक होता है नेचर में L2, और ये पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली हम पढ़ाते हैं, ठीक है। एक बच्चों ने पर डे क्लासेस कह सकते हो, थर्मोफ्लास्क प्रिवेंट हीट लॉस, ठीक है। बच्चों जो थर्मोफ्लास्क होता है, ठीक है, वो हीट को प्रिवेंट करता है। सपोज करो आप चाय बना के ले गए, आपको पिकनिक पे जाना है, और पिकनिक पे क्या करना है, आपको गर्म शर्म चाय पीनी है। अब भाई हमने थर्मोफ्लास्क यानी एक तरह से थर्मस का इस्तेमाल किया, जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, वो जो होता है उसमें चाय गर्म किस वजह से रहती है? सबसे पहला है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ऑल ऑफ दिस, विकिरण, चालन, संवहन, उपरोक्त में से सही। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी चाय गर्म रहती है, जल्दी से बताइए। देखो बेटा हमेशा याद रखने का कि जीवन जो है, जीवन वो एक ही मिला हुआ है, इसे बेबाक तरीके से जीना चाहिए, मतलब किसी से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, सिवाय अपने माँ बाप के। भाई सब डरो तो अपने माँ बाप से डरो, उसके बाद दुनिया जाए, जनता जाए, बाढ़ में बेबाक तरीके से जियो, जो तुम्हें सही लगता है सही है, और जो तुम्हें गलत लगता है गलत है, बात करो, दब के नहीं रहना है, ठीक है। बच्चों जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ अबाव है, यानी इन सभी के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। रेडिएशन जो होता है, अब रेडिएशन का होता है, देखो जो सूरज होता है, सूरज, सूरज की किरणें धरती पे आती है, उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो सूरज की किरणें जब धरती पे आती है तो विकिरण होता है। कैसे होता है विकिरण? उच्च तापमान से, उच्च ताप होता है, उच्च ताप से यानी हाई टेम्परेचर से जब कोई चीज लो टेम्परेचर की तरफ आए तो रेडिएशन होता है। और इसके अंदर तीनों चीजें होती है, ठीक है, कम ताप, ठीक है। अगली चीज कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये भिगोना है, ये भिगोना है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने आग दे रखी है, अब इसमें क्या होता है, हीट फैल जाती है।
अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी सपोज कर भिगोने का जो डंडा है वो गर्म हो जा रहा है, ठीक है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब होता है सपोज करो आप बाल्टी में हाथ लगाया, आपको ऊपर से पानी गर्म प्रॉब्लम हो रही है, पीसी दिखाना पड़ेगा एक बार, मेरे को पीसी दिखाना पड़ेगा मेरे, हेलो 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 आवाज आ रही, प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी ठीक है, यस अभी ठीक है, आवाज हेलो 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 अब ठीक है, उसमें से बार बार हट रहा है वहाँ से दोबारा, अब मैंने पिक्चर कार्ड में लगाया है। नाउ कमेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। अब ठीक है बेटा, आज फ्लक्चुएशन आ रहा है, अब ठीक है, एक तरंग की आवृत्ति क्या है किसी की समय अवधि अगर 0.05 सेकंड है। बच्चों ने बोला कम, इसका आंसर होगा 5 हर्ट्ज, बहुत सारे बच्चों ने बोला 5 हर्ट्ज होगा, 5 हर्ट्ज कैसे होगा, सबसे पहली बात तो देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, 1/समय, यह आवृत्ति का फॉर्मूला होता है। टाइम क्या दिया गया आपको, 0.05 सेकंड। अब ये 5 ऊपर लेके जाओगे तो आ जाएगा 100/5, 100/5, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 20, और इसकी दो यूनिट होती है, एक तो 20 हर्ट्ज होगी, या फिर आप लिख सकते हो इसको 20 सेकंड -1, यानी इनवर्स। कहती बात समझ में आई, तो इसके दो आंसर होंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा। मैं पर डे क्लास लेती हूँ, संडे को हमारा ज्यादातर ऑफ रहता है और कल हमारे पास था, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है पक्का। थर्मोसेटिंग जो होती है फ्रिजर्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आप राकेश, नहीं देखती हूँ ऐसी बात नहीं है राकेश, कमेंट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया जरा देखिएगा, व्हेन अ मेटल इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस बिकम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब एक धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, फटाफट से बताइएगा। मतलब अगर हम लोग किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। देखो बच्चों, हाँ पर डे बहुत लोग गलत कमेंट करते हैं, ठीक है, तो उनको ब्लॉक करो। देखो हम लोग ब्लॉक करते हैं, आप सोचते हो कि शायद जो गलत कमेंट करते हैं मैं उनको ब्लॉक नहीं करती, ठीक है, जो गलत कमेंट करते हैं उनको ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन आपको दुनिया में ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग ऐसे है जो गलत कमेंट करते हैं, अरे ऐसी दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है, जैसे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा इंक्रीजेस, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोई बच्चा बता सकता है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिनका फिजिक्स अच्छा होगा वही इसका जवाब दे पाएंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है, जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ क्यों जाता है। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसने बोला कि भैया रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे क्यों होगा प्रतिरोध इंक्रीज, ज्यादा क्यों हो जाएगा। अगर आप 2 सेकंड में मेरे को आंसर देते हो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर फिर मैं बता रही हूँ, जैसे बताइए क्यों होता है, फिर मैं रीजन बता रही हूँ इसका क्यों होता है। नर्सिंग असिस्टेंट सबके लिए है, सब बिल्कुल बढ़िया। देखिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ,
सपोज करो ये एक रॉड है, ठीक है, सपोज करो एक रॉड है, इस रॉड को जब तुम हीट करोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत तेजी से फ्लो करने शुरू कर देंगे, तो इनकी जो गति होगी, इनका जो मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बच्चों जब इनका मोशन ज्यादा हो जाएगा, इनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इनके अंदर करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और बच्चों जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो करंट को इंक्रीज ना हो, इसे रोकने के लिए हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। कहती बात समझ में आई? एक बच्चे ने बोला क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसमें ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, किसी भी तरह से लगा सकते हो। तो हम लोग जो है करंट का फ्लो ज्यादा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। देखो SM ने बोला, अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया, SM एजुकेशन ने बोला जो टॉप 20 थे, देखो ध्यान से, जिन बच्चों को कॉल नहीं आया, 4 तारीख को जब आपका बैच शुरू होगा, 4 डेट को जब आपका बैच शुरू होगा, तब आपका ऑटोमेटिकली जो सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में जो बच्चों की ईमेल आईडी है ना वो भी है, बच्चों का नंबर, ईमेल आईडी वो भी है। SM एजुकेशन, आप मुझे अगर अपनी ईमेल आईडी बताओगे ना तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि भाई ये आपका नंबर है, यानी एक्चुअल में हमारे पास 20 जो स्टूडेंट है उसका भी पता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट, अच्छा ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसी कौन सी 2 क्वांटिटी है जिनकी यूनिट सेम है, जैसे बताइए, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वर्क और पावर। एक बच्चे ने बोला वर्क और पावर का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में वर्क आता है W अपॉन T, तो सेम कैसे हो जाएगा, नहीं होगा सेम। एक बच्चा बोल रहा है इसका आंसर डी होगा, चलो डी देख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर और पावर, ठीक है, प्रेशर और पावर का सेम होगा, ऐसा कुछ बोला, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A और पावर होता है P = इसको भी P से डिनोट करता है W/T, ठीक है, यूनिट सेम नहीं बैठेगी, फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम बैठना चाहिए, फोर्स और एनर्जी का नहीं बैठता। देखो अब मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, तो जिस बच्चे ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। मैं आपको यूनिट बताती हूँ इनकी यूनिट क्या क्या होती है, जरा यूनिट देखिएगा। हाँ क्या मैम इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं आपको, मतलब अगर बेसिक, देखो बेसिक भी घुसा दिया इसके अंदर, देखो इसको कर दिया बेसिक और इसको कर दिया टफ, तो टफ भी कर दिया और बेसिक भी कर दिया, दोनों चीजें एक साथ हो गई, टफ भी कर दिया बेसिक भी कर दिया, दोनों चीजें एक साथ हो गई, तो इसका राइट आंसर डी होगा, सी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की 2 यूनिट होती है, एक तो होती है, देखो फोर्स की 2 यूनिट होती है, एक तो होती है फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है, और दूसरी होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एनर्जी की यूनिट होती है आपकी जूल, और अगर आप दूसरी यूनिट पता लगाने तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख के लगा लो, ठीक है, ½mv², मास होता है किलो और ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे रखूं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एनर्जी की 2 यूनिट होती है जो आपकी यहाँ पे रखी हुई है, ये देखो एनर्जी की 2 यूनिट होती है, एक तो ये होती है और एक ये होती है, ठीक है, एक तो जूल होती है और एक केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होती है, ये 2 यूनिट होती है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पावर की, तो पावर की यूनिट आप सभी को पता है कि वॉट होती है, ठीक है, पावर की यूनिट सभी को पता है वॉट होती है, वॉट के साथ साथ और क्या होगी, ठीक है, ये होती है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क होती है जूल और टाइम होती है सेकंड, तो इसलिए इसकी 2 यूनिट होती है, ठीक है। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है बेटा, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पावर की यूनिट होती है, ठीक है, पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो जूल पर सेकंड। तो इस तरह से इन तीनों की यूनिट आपस में मैच नहीं हो रही है। इंपल्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम होता है, तो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में सेकंड माइनस का सेकंड 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, इंपल्स की जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड, और यही सेम यूनिट जो होती है आपकी मोमेंटम की होती है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये भाई पहले इसके सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए,
अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है स्पाइडर्स की, जो मकड़ियों की स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं। इसे तो बहुत कम बच्चे बता सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्थ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या सिनियोलॉजी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यस, जो मेरा कोर्स है वो ग्रुप डी के लिए नहीं, जितने भी आपके एग्जाम्स होते सभी के लिए सबसे परफेक्ट है, क्लियर है। और मेरी कोर्सेज की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो, बायोलॉजी वगैरह की, जैसे आपको कभी एग्जाम होगा तो देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, बहुत सारे बच्चों ने बोला आर्कियोलॉजी, देखो इसका जो राइट आंसर है, और जिन बच्चों ने ए बोला, मैक्सिमम बच्चों ने ए बोला, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने सिनोलॉजी भी बोला। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, अगले क्वेश्चन में कहा जाता है एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड ऑन इट्स, उत्प्रेरक की दक्षता किस पे डिपेंड करती है, यानी उत्प्रेरक क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट किसी भी चीज की रिएक्शन को, आर ये जो ना, ये जो निशान होता है, ये रिएक्शन का होता है, रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है, साथ में स्लो भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। और आपको केमिस्ट्री में जितने भी कैटलिस्ट पढ़ाए गए हैं वो सारे स्पीड को फास्ट करने के लिए पढ़ाए गए हैं, ठीक है। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स नहीं पढ़ाती क्या तुम्हें, जैसे बताइए कैटलिस्ट मॉलिकुलर स्टेट, आवनिक स्थिति में, नंबर ऑफ फ्री वैलेंस, देखो अगर इसके पास में फ्री वैलेंसी ज्यादा है तब ये कैटलिस्ट बहुत ज्यादा कारक होगा, इसकी फिजिकल स्टेट बहुत अच्छी हो, या कितने अमाउंट में आप कैटलिस्ट को यूज कर रहे हो। सपोज करो आप बेकिंग सोडा डाल रहे हो, बेकिंग सोडा भी क्या है यार, बेकिंग सोडा भी एक तरह से बच्चों कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। सपोज करो आप बेकिंग सोडा को ज्यादा डाल दो तब ऐसा हो सकता है ना। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बोला ए, देखो बिल्कुल इसकी मॉलिकुलर स्टेट के बारे में आपने बात की, लेकिन मॉलिकुलर स्टेट से इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसी कितनी है। जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी, जितनी ज्यादा वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, वो उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। सपोज करो किसी की वैलेंसी कम है तो कम एक्टिव होगा। देखो कैटलिस्ट जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी कैटलिस्ट का नाम नहीं लिखा। अगर सपोज करो यहाँ नाम लिखा रहता तो हम कहते भाई ये अगर आप ज्यादा संख्या में इस्तेमाल करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ पूछा गया कैटलिस्ट जो है वो अगर बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, तो उसका मतलब क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, उसमें देखना है कि जो भी आप कैटलिस्ट ले रहे हो उसकी फ्री वैलेंसीज क्या है। चलिए अब आगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, अ कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये मैंने आपको फ्री यूट्यूब पे भी पढ़ाई है, ये मैंने पेड बैच में भी पढ़ा रखी है, और भाई अगर इसका जवाब आप नहीं देवाए ना तो नाक कट जाएगी, ठीक है, जल्द से बताइएगा। बहुत है बेटा, बहुत है, डी ट्रिप्लेस के लिए बहुत है, आप चेक कर सकते हो। वैसे मेरा एक कोर्स भी शुरू हो रहा है 4 तारीख से, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। जैसे बताइए, डर नहीं लगेगा अगर मुझसे साइंस पढ़ोगे, इतना पता है। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं कहूंगी लाइक तभी होगे। देखो अगर 1500 लाइक हो जाते हैं तो वैश्यु एक बार और आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको देख लेती हूँ, अगर अगर 1500 लाइक हो गए, 15K लाइक हो गए, तो समझ लो वैश्यु आपके सामने हाजिर हो जाएगी, अभी तुरंत दीदी हाजिर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, देखो सबसे पहली बात कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, इसकी 5 इमेज जो होती है वो रियल बनती है, वास्तविक बनती है, और एक जो होती है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है, वो बनती है अवास्तविक। बच्चों याद रखिएगा, याद रखिएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है, अगर वस्तु फोकस पे, अगर कभी भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर वस्तु जो है वो एफ पे है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे बनेगी बच्चों रियल बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी, ठीक है। जो एक वर्चुअल बनती है, वो जो एक वर्चुअल बनती है बेटा, ठीक है, उसकी अलग सिचुएशन होती है, 5 रियल बनती है, 1 वर्चुअल बनती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है रियल, रियल। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है।
कल वैश्यू घर चली जाएगी, मेरे पास तो कम रहती है मेरे काम की वजह से, क्योंकि बोलते हैं ना गांव में बच्चों को प्यार बहुत अच्छा मिलता है, उसको वहीं पे मन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, विच सेल रिलीज द टेस्ट्रोन हार्मोन। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से बना मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्यों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मैंने एक चैनल पढ़ाया था जिसका नाम था प्रजनन। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम पढ़ाया था, प्रजनन जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, मैंने पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ाया था। अब वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सेल जो होती है वो टेस्ट्रोन हार्मोन निकालते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और वाकई में इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे बताइए एक एक बच्चे ने बोला कि आप डॉक्टर क्यों नहीं हो। बेटा मेरे को ऑफिसर बनने का शौक था, डॉक्टर बनने का नहीं था। एनडीए में तो जितना बायोलॉजी में पढ़ा रही हूँ उतने में काम हो जाएगा, नीट के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये एलर्जी कुछ नहीं है, ये मच्छर के काटने से एलर्जी हो गई है। हाँ, येलो वर्चुअल में था है? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें एक सेकेंड बच्चों, इसका आंसर रियल है और यहाँ पे आंसर वर्चुअल गलत लगा हुआ है। ये आंसर वर्चुअल गलत लगा हुआ है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और रियल बनेगी। मैं बताऊं कैसी बनेगी, ये देखो F1, ये 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट का है फोकस पे, तो ये यहाँ पे रखा जाएगा, ये यहाँ पे रखा जाएगा, ये यहाँ पे होगा, अरे यहाँ से जाएगा, दूसरी लाइट जाएगी यहाँ से और ये कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसी बनेगी, ये है, ऐसा बनेगा, तो ये हमेशा इसी वजह से रियल बनेगा, वर्चुअल नहीं बन सकता, रियल बनेगा। वर्चुअल कब बनता है बच्चों? वर्चुअल जब बनता है जब आप किसी चीज को जबरदस्ती ऐसे करके मिला रहे हो तो रियल बनेगा। चलिए अब आगे, अगला क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे कि टेस्ट्रोन हार्मोन किस सेल से बनता है। ठीक है, टेस्ट्रोन हार्मोन किस सेल से बनता है, फटाफट से बताइए। ठीक है भाई, 1500 लाइक हो गए तभी आपकी बहन आएगी, मैं इतनी लेट क्लास क्यों लेती हूँ? अच्छा, कितने बच्चे रीजन जानना चाहते हैं कि मैं इतनी लेट क्लास क्यों लेती हूँ? 1500 लाइक पे रीजन भी बताऊंगी और आपको वाकई में अंदर से फील होगा कि उसका बहुत बड़ा रीजन है। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है लेडाइन सेल। जो लेडाइन सेल होती है, ठीक है, वो क्या होती है आप लोगों की, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है ना। लेडाइन सेल जो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। कुछ बच्चे बोलेंगे सेरेटोनिन सेल्स होती है, कुछ बच्चे ये वाली सेल्स भी बोलेंगे, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर ए होगा या सी होगा। फटाफट से बताइए इसका आंसर ए होगा सी होगा, जल्दी से बताइए ए होगा या सी होगा। रीट वालों के लिए बहुत जल्दी इन्वायरमेंट भी देखी जाएगी, ए होगा या सी होगा। ठीक है, वैष्णवी के जन्मदिन पे तो पार्टी होगी, बिल्कुल अनाथ आश्रम जाएंगे वैष्णवी के जन्म पे। लिडाइन सेल या सेरेटोनिन सेल, जल्दी से बताइएगा। हाँ, फटाफट से ए होगा या सी होगा। बहुत सब बच्चे ए बोल रहे हैं, बहुत बच्चे सी बोल रहे हैं। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए, लिडाइंग ही होगा। साइटोली सेल्स भी आपने पढ़ा होगा, उसको एक बार चेक करना। बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। एक एसिड है ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड नाम है, उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, जैसे बताइए 2 3 4 5, फटाफट से बताइए राइट आंसर दीजिएगा। ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड, जैसे बताइएगा इसकी बेसिसिटी कितनी होती है। क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, इसको याद कर लो। इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, इसकी बेसिसिटी मतलब इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 3। 3 का मतलब होता है एसिडिक, 3 का मतलब होता है एसिडिक, अम्लीय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, दरवाजा खोल दो। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर। आप नहीं सोए अभी तक, अभी तक नहीं सोए, अभी तक नहीं सोए। रात को ब्रश करके सोना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए रात को, तुमसे ज्यादा समझदार है। ठीक है, नाराज होगी, सो गई, जमीन पे लेट गई, भाई साहब इतना एटीट्यूड है। ठीक है, देखो ध्यान से, केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर की बात की जा रही है।
तो शुगर किससे बनता है? अगर शुगर की बात करूं मैं, सकरा किससे बनता है? सकरा बनता है सुक्रोज से, और सुक्रोज के अंदर जो चीजें किससे बनता है? सुक्रोज से, ठीक है। सुक्रोज किससे मिलके बनता है? एक तो मिलके बनता है फ्रक्टोज से, और एक मिलके बनता है ग्लूकोज से। तो जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो वो देते हैं शुगर, सकरा प्लस पानी, H2O, वाटर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। तो पानी बाहर निकाल दो पहले ही, ताकि तुम्हें फॉर्मूले में दिक्कत ना आए। H2O, पानी बाहर निकाल दिया तो कार्बन तो है नहीं, तो 6, 6, 12, ठीक है। और हाइड्रोजन हो गया 12, और 12 हो गया 24, लेकिन दो हाइड्रोजन निकले हुए हैं तो 22। ओ 6 और 6 हो गया 12, लेकिन एक निकला हुआ है तो 11। तो ये फॉर्मूला होता है आपके शुगर का, तो C12H22O11। तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है सबसे पहले वाला, सबसे पहले वाला। राइट आंसर इज ए। कहती बात समझ में आई? कितने बच्चों को समझ में आई ये क्लास? वैशु इधर आओ। इसको नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली। 1, 2, 3, पहले सबको हाय बोलो, हाय बोलो, ब्रश योर टीथ बोलो। रात को ब्रश करके तब सोना चाहिए, दांत अच्छे रहते हैं, डेंटिन अच्छा रहता है दांतों का, इसलिए जर्म्स नहीं आते हैं। ब्रश करके सोना चाहिए सबको। टेक्निकल टीम एक बार ओबीएस दिखाया जाए, ठीक है। दूसरी बात, मेरे रात को 10 बजे क्लास लेने का रीजन ये है कि आपकी एक छोटी सी बहन है जिसको खाना पीना खिला के अच्छे से तब सुलाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आजकल इसका टाइम टेबल खराब हो रखा है, आजकल ये टाइम से सो नहीं रही है, ठीक है। सो ब्रश देखो, देखो देखो सामने देखो, ब्रश से नहीं चलेगा वो, ब्रश से नहीं चलेगा। देखो सामने देखो, वहां देखो, वो देखो, देखो वो देखो, वो वैश्यू कैसे आ गई सामने, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है इसीलिए, चलो चलो इसे लेके जाओ, ऐसे ऐसे बाय बोलो, बाय देखो ऐसे, बाय 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 बाय, 1, 2 देखो बाय बोलो भाई, बाय बाय, अब हो गया बाय। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। अगले क्वेश्चन, ओ भाई ब्रश से चला दिया, क्योंकि आपका सलाइवा था इसके अंदर, ब्रश से चल रहा है भाई सब, हमने सोचा मिलता सलाइवा है इसके अंदर इसलिए चल रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आउटर कोटिंग ऑफ अ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, देखो आपने कैप्सूल देखा होगा, ये कैप्सूल का जो बाहरी हिस्सा होता है, जैसे आपने कैप्सूल देखा होगा, ये कैप्सूल में इधर एक रंग होता है, ठीक है, और कैप्सूल में दूसरी जगह दूसरा रंग होता है। ऐसा क्यों होता है? ये कैप्सूल की जो आउटर कोटिंग होती है वो किस वजह से होती है? तो आपकी जो बहन है ना, उसको टाइम से खाना खिलाना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, और भाई 8 से 9 बजे जो होता है उसका, ठीक है, तो उसका अपना एक अलग टाइम होता है। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपने प्रोटीन गलत दिया, सेलुलोज या स्टार्च में से एक आंसर होना चाहिए था, ना तो प्रोटीन की होती है ना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। इसको एक मिनट के लिए ना बाहर घुमा के ले आओ, पार्क में आओ 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 आओ। देखो क्या होता है, कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि मैम जो है वो जिम्मेदार नहीं लेती, जिम्मेदार नहीं है, अपनी क्लासेस नहीं लेती, तो भाई देखो ये क्लास नहीं लेने दे रही अब, ठीक है, बाय बोलो, बाय टाटा, ऐसे बोलो टाटा, बाय, हेलो मिस्टर हालो, बाय बाय बाय।
बच्चों बेटा, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, नो एंड यू नो वेरी वेल। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, आउटर कोटिंग जो होती है, आउटर कोटिंग ऑफ अ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, एक कैप्सूल की बाहरी कोटिंग किससे बनी होती है? देखो ये जो होते हैं, ये जो आपकी कैप्सूल की कोटिंग होती है, जैसे आप कैप्सूल पकड़ोगे तो आपको चिपचिपाट महसूस होगी, तो या तो सेलुलोज होगा या स्टार्च होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है उसके अंदर स्टार्च होता है। उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। सेलुलोज स्टार्च दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट होते हैं। किसके प्रोडक्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है? अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है द वेक्टर ऑफ अ डिसीज स्लीपिंग सिकनेस। बच्चों जो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, बीमारी स्लीपिंग सिकनेस, इसमें वेक्टर कौन होता है, यानी वाहक कौन होता है? वाहक वेक्टर जो उस बीमारी को लेके जा रहा है। सपोज करो हमने हमने तो पता है कि भाई ये वेक्टर कौन होता है, ये है कौन जो उड़ उड़ के लेके जाता है, ठीक है? नहीं, बच्चे एक बच्चा बोल रहा है मैम आप उत्कर्ष क्लासेस क्यों नहीं जाते? जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, लेकिन अभी ठीक है, अपना चैनल चल रहा है, आप इसको चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया टीचर है, और आपको पता है गौरव सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? राधे राधे भाई, राधे राधे। और भाई जहां जहां मेरे भाई को कोई भी बोलेगा, वहां वहां मैं उसके साथ में खड़ी रहूंगी हमेशा, ठीक है? उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा या कोई भी टीचर के खिलाफ कुछ भी होगा, हम खड़े रहेंगे साथ में, सभी के सभी। बहुत सारे बच्चों ने बोला टीसा टीसा फ्लाई, देखो सीसी फ्लाई बोलते हैं इसको, टीसा टीसा नहीं बोलते, क्योंकि इसमें टी क्या होता है? साइलेंट होता है। हिंदी में तो इसको सीसी मक्खी बोल देते हैं, तो हिंदी में तो टी नहीं लगाता, सीसी मक्खी बोलते हैं, तो हम लोग टीसा टीसा बोलते हैं, लेकिन टी साइलेंट रहते हैं, सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई जो होता है स्लीपिंग सिकनेस के लिए होता है। स्लीपिंग सिकनेस क्या है बच्चों? ये है निंद्रा रोग। क्या है? निंद्रा रोग। इसके अंदर क्या आता है? इंसान को नींद आती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, और दिमाग में सूजन आ जाती है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है कलर ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड विद अ डिफेक्ट इन विच सेल। रंग अंधापन एक दोष किस कोशिका से संबंधित है? बच्चों आप सभी को पता है कि कलर ब्लाइंडनेस जब किसी इंसान को होता है, रंग बंधता जब किसी इंसान को होती है, तो वो रंग नहीं देख पाता, तो कौन सी जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है? फटाफट से बताइएगा। और आज के लिए वही हाथ जोड़ के क्षमा, और आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि वैश्यू जो थी वो ऑब्वियस सी बात है वो नाराज इस वजह से है मुझसे 2-3 दिन से, क्योंकि वो 10 बजे से पहले सो जाती है और आजकल वो 10 बजे के बाद भी सो रही है, तो दो जैसे आपकी क्लासेस का फ्लक्चुएशन होना और ये बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो साइंस बाय प्रिया मैम पे मिलेगी। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्सेल। मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेल क्यों होती है। कॉन्सेल जो होती है वो कलर के लिए होती है। कॉन्सेल जो होती है कलर के लिए होती है। आपको जो रंग देने वाली होती है वो होती है कॉन्सेल। और दूसरी बात है, यही कॉन्सेल जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती। रॉड सेल जो होती है वो रात को देखने के लिए होती है, रात को। नाइट जो विजन होगा ना वो आपके रॉड सेल की वजह से होगा, क्योंकि इसके अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट अगर किसी के अंदर ज्यादा है तो वो रात को देख सकता है, और किसी इंसान के अंदर कम है तो वो रात को नहीं देख सकता। आईज की मसल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आईज की मसल ज्यादा स्ट्रेच हो गई तो आपकी आंखें दर्द करेगी, और आपकी आंखें क्या करेगी? दर्द करेगी, ठीक है? पेन करेगी। अब जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा ले लो, 8-8 घंटे ले लो, तो आपकी आंखें दर्द होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी, ठीक है, मसल्स पेन करेगी, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब इसी के साथ में मैं माफी चाहूंगी कि मुझे क्लास को बंद करना पड़ रहा है। कल आपकी जो क्लास है वो रात के 10 बजे होगी। जिस भी बच्चे को मेरा मतलब साइंस स्पेशल का बैच लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्रेम प्यार से चलो, हमेशा दुनिया ऐसे ही चलती है, लड़ाई झगड़ों से दुनिया नहीं चलती है, और हमेशा सबको अच्छा बोलो, बुरा किसी को मत बोलो, ठीक है? और गुरु की गरिमा सबको रखनी चाहिए। ये मेरा एक बैच है जो 399 रुपये का है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जन्माष्टमी ऑफर है, 4 तारीख से ये बैच शुरू है, ठीक है? 4 से बैच शुरू है ये।
धुरीना ऐप पे ही आपको मिल जाएगा, सामने ही धुरीना ऐप पे मिल जाएगा। मेरा एक रनिंग बैच भी है, अच्छा ये बैच 2 नहीं है, ये बैच 3 है, याद रखिएगा ये बैच 3 है, ये बैच 3 है जो आप देख रहे हो, बैच 2 रनिंग बैच है, ठीक है। दूसरी बात है यूपीएसआई की बुक जो है वो ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी आपको। तीसरी बात है कि ये जो पीडीएफ है आपको साइंस बाय प्रिया मैम पे मिलेगी, और दिल से दिल से दिल से मतलब सॉरी, ठीक है, क्लियर है। एक बच्चे ने बोला कि मेरी बहन की शादी 1 साल पहले हुई थी और अब ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं, तो अब उसकी टेंशन में मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से मेरा सुसाइड करने का मन करता है, ठीक है। मैं बस इतनी बात बताऊंगी बेटा, देखो एक बात ध्यान से सुनना कि पहले एक बच्चे की ज़िंदगी तो माँ बाप की तरफ से बर्बाद हो ही रही है, तुम उधर सुसाइड कर लोगे तो माँ बाप की ज़िंदगी क्या रह जाएगी बच्चों, ठीक है, क्लियर है। हाँ, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में फिजिक्स आते हैं सुमित्रो, चलो उसे भी देख लेंगे, ठीक है। आपके चैनल पे रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, देखिए अभी देखो साइंस ही चल रहा है, अभी तो मेरे अलावा कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, ठीक है। ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, जो ऑफिस में जिन जिन बच्चों को कॉन्टैक्ट नंबर यानी कॉन्टैक्ट करना है साइंस स्पेशल या साइंस से रिलेटेड दुविधा के लिए, यहाँ पे एक नंबर है लिखा हुआ 9821 06, 9821 06 0061, कल से नीचे भी चलने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसी वजह से आपकी रात के 10 बजे क्लासेस होती है, क्योंकि आपकी छोटी बहन जो होती है वो 10 बजे से पहले सो जाती है, ठीक है। अब भी 3 दिन से वो क्या है 10 बजे तक जाग रही है, अब आप देखा तुमने आज इसने क्या तहलका मचाया, मचाया ना तहलका, बस इसी तहलके के साथ में आपकी क्लासेस जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो जाती है। और आप समझ सकते हो कि माँ की पहली प्रायोरिटी उसका बच्चा होता है, लेकिन माँ की जब पहली प्रायोरिटी उसका बच्चा है तो तुम भी मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें अपना हमेशा बेटा बोला है, वो बेटा शब्द लड़की लड़के दोनों के लिए है, ठीक है। तो वो शब्द इसलिए मुंह से निकलता है कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी तुम भी हो, तो मैं अपने रात के 10 बजे का टाइम तुम्हारे लिए निकालती हूँ। एक सुबह का टाइम भी निकलने वाला है बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट कल आपकी होने वाली है। कल आपको एक बहुत अच्छा यूट्यूब क्लास का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो कल मुझसे रात के 10 बजे जुड़ना ना भूले उस अनाउंसमेंट के लिए, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और कल मिलते हैं आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही बच्चों मेरे साथ बने रहना, प्यार बनाए रखना, और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अमेजिंग फैक्ट को देखना भी ना भूले। रोज अमेजिंग फैक्ट लेके आ रही हूँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तो ऐसी चीजें मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।